मिस्टर कपूर, वो सैंक्शन तो हमने दे दी है लेकिन प्रोजेक्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। यू फाइंड आउट एंड कॉल मी बैक, ओके? मैं कम इन सर। कम इन मिस्टर खन्ना। थैंक यू। दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए, छुट्टी तो आपको इस काम के बाद ही मिल जाएगी। दरअसल मिस्टर खन्ना, इसमें गलती तो आप ही की है। पिछले 15 सालों से जितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जो आपने काम निभाए हैं, उससे गवर्नमेंट को आप पर पूरा भरोसा हो चुका है। थैंक यू सर, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपको इस काम में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है सर। हैं और इसमें आपके प्लेन का टिकट भी है। अच्छी बात है सर। थैंक यू मिस्टर खन्ना एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अरे भाई, प्रभु की सेवा खत्म हो गई हो तो पति के पास भी आ जाओ, यहाँ तो सब गड़बड़ है। क्या हुआ, आप खामखा शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर न मचाऊं तो क्या करूं? प्लेन जाने में घंटा भर रह गया। कमीज पहन ली, टाई बांध ली, कोटिया रहा और पतलून गायब। पतलून तो मैंने यही रखी थी, कहाँ गई? कहीं तुमने तो नहीं पहन ली? आप क्या कर रहे हैं? पतलून यहाँ है। उल्लू का पट्टा, ला इधर पतलून ला। पहले वादा कीजिए आप बम्बई से जल्दी आएंगे और मुझे कश्मीर घुमाने ले जाएंगे। लो, तू बाप को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल नहीं पिताजी, ये तो कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला? और नहीं तो क्या, जब भगवान कृष्ण कपड़े चुराते थे तो सब उनके बात मानते थे। लो, अरे भगवान कृष्ण तो गोपियों के कपड़े चुराते थे, तू तो मेरी पतलून चुरा रहा है। ला इधर। ला, दे दे बेटे, तेरे पिताजी को देर हो रही है। ठीक है, तुम कहती है तो दे देता हूँ, लेकिन पिताजी वादा। अरे वादा पक्का, अगले हफ्ते हम लोग कश्मीर चलेंगे। जानते हो मैं तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बनाना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि पुलिस की निगरानी बहुत सख्त है। हाँ, मेरी स्कीम पर चलकर मेरे साथी बनकर तुम ये हीरे चुरा सकते। तुम्हारी स्कीम क्या है? ये खंडा एक बहुत ही ईमानदार सरकारी अफसर, कल की नुमाइश इसी की निगरानी में, दुनिया की नजरों में हीरे ये चुराएगा। और असलियत हो तो खन्ना का मास्क पहनकर। समझ गया, इसका मतलब है हमें खन्ना को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। कब्जे में? हाँ, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। तो फिर पार्टनरशिप पक्की? नमस्कार खन्ना साहब। अरे हीरालाल जी, आप दिल्ली से कब आए? कल ही आया। ओ, इनसे मिलिए, ये है होटल के मालिक मिस्टर डेनी। हाउ डू यू डू। कैसा लगा आपको हमारा होटल? बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक इज द वर्ड। आपके लिए कोई विस्की ब्रांडी? नहीं, विस्की ब्रांडी कुछ नहीं चलेगा। एक बार जिंदगी में पी थी मैंने एक पार्टी में, फिर न जाने क्या क्या करने लगा, बक बक करने लगा, विस्की नहीं। ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवाता हूँ। थैंक यू। अच्छा खन्ना साहब, बैठिए। कुछ बात समझ में आई? नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मैंने एक बार पार्टी में जिंदगी में शराब पी थी और शराब पीने के बाद न जाने क्या क्या हरकतें करने लगा, क्या क्या बकबक करने लगा और फिर गाना भी गाने लगा। हाय गॉड, ये तो बिल्कुल मिस्टर खन्ना की आवाज है। ये क्या कर रहा? ये वो दवाई है जिसे पीते ही खन्ना अपने होश आवाज खो बैठेगा। कैप्टन। यस सर। टेबल नंबर 5। धक 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 मेरा दिल धक 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 होने लगा, धक 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 कहने लगा।
ओ तेरा हुस्न बेमिसाल, तेरे गोरे गोरे गाल, तेरी मस्ती भरी चाल ने है मारा मुझको। ओ मेरी जान मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान मेरी जान कभी हो के मेहरबान दे सहारा मुझको। धक 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 ओ मेरा दिल धक 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 होने लगा धक 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 ओ कहने लगा शर्मा गया मुझ पे नशा ये कैसा छा गया। कमर तेरी लचकी तो मैं बल खा गया जीने का मजा मुझे आ गया। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब लाजवाब है हुई ऐसी तू जवान ऐसी तू जवान जैसे खींची हो कमान ऐसा खींच के निशाना तूने मारा मुझको। ओ मेरी जान मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान मेरी जान कभी हो के मेहरबान दे सहारा मुझको। हे धक 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 मेरा दिल धक 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 होने लगा धक 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 कहने लगा सामने अब क्यों लगी है दिल थामने। हाय 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 डाका नहीं डाला है तेरे गुलाम ने आशिक बनाया तेरे जाम ने। ओ कातिल दा आ बाहों में आ तू है मेरी दिल रुबा मैं तो हो गया जवान मैं तो हो गया जवां दिल हुआ बेईमान तेरी नजरों ने किया जो इशारा मुझको। ओ मेरी जान मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान मेरी जान कभी हो के मेहरबान दे सहारा मुझको। धक 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 ओ मेरा दिल धक धक होने लगा धक 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 होने लगा करार है। एक पलट मेरी जान गले लगा तड़प रहा ये दिलदार है जिसको तेरा ही इंतजार है। ओ मेरे सनम ओ तेरी कसम बैके है मेरे कदम जरा देख मेरा हाल ओ जरा देख मेरा हाल कर कुछ तो ख्याल अब जलवों का दे दे तू नजारा मुझको। ओ मेरी जान मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान मेरी जान कभी हो के मेहरबान दे सहारा मुझको। धक 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 ओ मेरा दिल धक धक
होने लगा धक 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 धक, कहने लगा अच्छा धक धक कर दिया तुम्हारा। अरे आओ पार्टनर, आओ देखो। क्या बात, जरा सा भी फर्क नजर नहीं। अगर असली खन्ना बेहोश ना होता तो मैं भी नहीं पहचान पाता। लेकिन पुलिस से बचने का इंतजाम क्या किया? रॉकी। यस बॉस। रॉकी देखो, इसे ले जाकर तहखाने बंद कर दो। अपने आदमी को तैयार रखो, कल बैंक से निकलने के बाद मेरे रुमाल का इशारा पाते ही जानते तुम्हें क्या करना है। जानता हूं बॉस। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन बॉम्बे पुलिस की रिपोर्ट तो यही कहती है कि खन्ना ने सब कुछ। की रिपोर्ट भी अगर कह दे तो मैं यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते,
कभी नहीं कर सकते। चीयर्स। चीयर्स। हमारी कामयाबी के नाम। उन हीरों का सौदा कब कर रहे हो? फिलहाल तुम हीरो की बात तो भूल जाओ। 8-10 साल के बाद जब लोग हीरों की चोरी को भूल जाएंगे तो हम उन्हें बेच डालेंगे। और खन्ना का क्या होगा? खन्ना को उस वक्त तक जीना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं यानी डैनी खन्ना का चेहरा लगाकर दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करूंगा। सारी दुनिया में बदनाम होगा खन्ना और पुलिस खन्ना के पीछे भागती फिरेगी। ओह माय गुडनेस, हवलदार नीचे चलो। अरे वारे खन्ना के मास्क, अब हीरो की चोरी हम किया करेंगे और पुलिस खन्ना तुम्हें ढूंढती रहेगी। कमाल कर दिया तुमने।
अय्या, मेरे 52 साल के छोटे से पति, तुमको मालूम नहीं सुहाग रात कैसा मनाने को होता। ओ माय स्वीट 16, दरअसल ये मेरी पहली सुहाग रात है, इसलिए इसके लिए गड़बड़ होता है। इधर बैठना बैठना, सुन। देखो जी, मेरा बात गौर से सुनना। पहले मेरा घूंघट तुम अपने हाथों से उठा देना, उसके बाद मैं रेखा की तरह शर्मा जाऊंगी और तुम्हें अमिताभ बच्चन की तरह मेरा चौदहवीं का चांद जैसा चेहरा अपनी तरफ करना। उसके बाद अपना सुहाग रात चालू। उसके बाद तुम अपनी आंखें मेरी हिरनी जैसी आंखों में डाल देना। उसके बाद तुम्हारे ये तोते जैसे होंठ है ना, धीरे धीरे मेरे पतले पतले होंठों की तरफ लाना। थोड़ा तुम आगे बढ़ना, थोड़ा हम आगे बढ़ेगा, बढ़के बढ़के दोनों लड़ेगा। नहीं जी, तुम्हारा और मेरा दिल का कली एकदम खिल के गोभी का फूल बन जाएगा। फिर हम उसको मिक्स कर देगा, मिक्स। हाँ, क्या कर देंगे? अयो, सांभर बना देगा स्वीट हार्ट। स्वामी, 10 दिन से मेरा सुहाग रात ये टक टक पूरा होने नहीं दे रहा। आज मैं जाके एक एक का सर तोड़ दूंगी। नहीं डार्लिंग, तुम मत जाना। तुम जाओगी तोड़ फोड़ के आ जाओगी। अच्छा, तुम जाना? मैं अभी गया, अभी आया। अयो, कितना प्यारा पति मिला मुझे। छोटा सा बलमा, छोटा सा बलमा, मोरे आंगना में फुटबॉल खेले। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? आपको मालूम नहीं कि मैं सोगरात मना रहा हूँ? सोगरात? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को जरा जल्दी छोड़ दीजिए, थोड़ी सुहाग रात मनाना है। 10 दिन होगा, कुछ बात मना नहीं। उधर क्या देख रहे हैं आप? माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप सुहाग रात मना रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। पुलिस, पुलिस! अभी इडियट डायलॉग तो बोल। सॉरी डायरेक्टर साहब, डायलॉग भूल गया। फिल्म में काम करने का शौक है, डायलॉग याद करने का शौक नहीं है। गेट आउट, किसी अच्छे एक्टर को भेज। आउट, इडियट। पुलिस, पुलिस, हटो, दरवाजा खोलो। अच्छा, तो चोर यहाँ आया है? यहाँ तो सिर्फ आप आए हैं। चलो, हवलदार, यस सर, तलाशी लो। अच्छा सर, यहाँ तो कोई नहीं है साहब। ओ, तो यहाँ बहुत छुपा छुपी हो रही है। बताओ चोर कहाँ छुपा है? इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों के दिल का चोर तो यहाँ छुपा है। शट अप, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जानते हो, एक आदमी और तीन तीन लड़कियां, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे तो एक इंस्पेक्टर और तीन तीन सिपाही भी बहुत बड़ा जुर्म है। शट अप, क्या नाम है तुम्हारा? जॉन, जॉनी, जनार्दन। ओ, तो एक आदमी के तीन तीन नाम। इंस्पेक्टर साहब, सकीता से दोस्ती हुई तो इसने मेरा नाम जान रख दिया, और सलमा से दोस्ती हुई तो इसने मेरा नाम जानी रख दिया, और संगीता से दोस्ती हुई तो इसने मेरा नाम जनार्दन रख दिया। तो इन लड़कियों ने इस बंद कमरे में बेदिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है? तो बंद कमरे में क्या बेदिंग कॉस्ट्यूम उतार देने चाहिए? चुप! तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपनी नई कौमी फिल्म की रिहर्सल कर रहे हैं। आगे, आगे, अबे आगे तो बोल, इडियट। इडियट? पुलिस इंस्पेक्टर को इडियट बोलता है? अबे फिल्म का एक्स्ट्रा होकर फिल्म के डायरेक्टर और हीरो को थप्पड़ मारता है, इडियट। यू इडियट, हम एक्स्ट्रा नहीं, पुलिस ऑफिसर है, देखो। ओ माय फादर, यू आर रियल पुलिस इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी सर, आई बेग योर पार्डन। तुम सब पुलिस स्टेशन आओ। दिन को या रात को? शट अप। इस कंपनी के प्रोड्यूसर का क्या नाम है? मदन मोहन हरजाई। वो कहाँ है? वो सामने के कमरे में 6 लड़कियों के साथ रिहर्सल कर रहा है। उसको भी पुलिस स्टेशन लेकर आओ, चलो। ओ माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर। रुपए की हीरो की चोरी करके फरार, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। देखो चाची, किसदार की पत्नी आ गई है। मियां बीबी की बिली भगत है, लाखों रुपयों की चोरी की है, अब ऐश करेंगे पति पत्नी। अरे बेटी, आजकल की दुनिया में क्या भरोसा किसी का। मैं क्या करूं? माँ। क्यों बेटा, स्कूल जल्दी छूट गया? नहीं, मैं खुद ही आ गया। क्यों? मेरे पिताजी के चोर हैं, स्कूल के सारे लड़के मुझे चोर का बेटा कहते हैं। नहीं बेटा, वो झूठ कहते हैं, बिल्कुल झूठ कहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ। स्कूल नहीं जाएगा,
तो बड़ा होकर अफसर कैसे बनेगा बेटे? मैं दूसरे स्कूल जाऊंगा, मगर उस स्कूल नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बम्बई ले जाऊंगी। मिसेस खन्ना बम्बई जा रही है, वो नहीं चाहती कि बाप की बदनामी बेटे के दिल में नफरत का बीज बोले। ये बहाना भी हो सकता है इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल में पति पत्नी में पहले से कोई प्लानिंग हो चुका है। आई डोंट थिंक सो सर, इस परिवार को मैं बहुत करीब से जानता हूं। वैसे खन्ना ही इस टाइप का आदमी नहीं है, उसकी पत्नी, उसकी शराफत और सच्चाई की तो मैं कसम खा सकता हूं सर। पुलिस वालों को जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए इंस्पेक्टर, खन्ना मुजरिम है और हमारा फर्ज है उसको कानून के हवाले करना। तुम उन दोनों माँ बेटे के साथ साये की तरह लगे रहो, मैं तुम्हारा तबादला बंबई कर रहा हूं। आखिर तुमने मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? क्या चाहते हो मुझसे? क्या दुश्मनी है मेरी तुम्हारी? खन्ना, पिछले 12 साल में 12,000 बार तुम यही सवाल कर चुके हो और मैंने हमेशा तुमसे यही कहा है कि अगर तुम मेरे दुश्मन होते तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं। पर क्यों, किस लिए? वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखना, खाने पीने से कभी इंकार मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सेहत चाहिए, तुम्हें जिंदा रखना है इसलिए। समझ में नहीं आता ये क्या चाहता है। पता नहीं मेरी पत्नी, मेरा मोहन किस हालत में होंगे। फूलों से है मेरी दोस्ती हर कली के दिल में रहता हूँ, फूलों से है मेरी दोस्ती हर कली के दिल में रहता हूँ। लिख लो मेरा पता हसीनों बार पते की कहता हूँ, फूलों से है मेरी दोस्ती। जलवों का आशिक हूँ और हुस्न का हूँ दीवाना, हंसते हुए नजारों से तुम पूछो मेरा ठिकाना। मैं हसीनों के सीने की हर एक धड़कन मैं देखो रहता हूँ, लिख लो मेरा पता हसीनों बार पते की कहता हूँ, फूलों से है मेरी दोस्ती। सारी दुनिया जो इन बाहों में आए, प्यार की मस्ती भर देता हूँ जो मेरी हो जाए। जिंदगी भर ना मिले कहीं पे ऐसा मैं नजारा देता हूँ, लिख लो मेरा पता हसीनों बार पते की कहता हूँ, फूलों से है मेरी दोस्ती। महफिल में मैं आ जाऊं वो महफिल जम जाए, प्यार
का नगमा जब छेड़ू हर लड़की बोले आए पुष्निक मेले लग जाते हैं जहां मैं कदम रख देता हूँ लिख लो मेरा पता हसीनों पार पते की कहता हूँ फूलों से है मेरी दोस्ती हर कली के दिल में रहता हूँ लिख लो मेरा पता हसीनों पार पते की कहता हूँ फूलों से है मेरी दोस्ती ये लो 500 रुपए लेकिन साहब मैं तनख्वाह ले चुका हूँ बेटे मैं जानता हूँ ये तनख्वाह नहीं है ये मेरी तरफ से तुम्हारी बहादुरी का इनाम है रख लो थैंक यू सर लोग तुम्हारी आवाज के दीवाने होते जा रहे हैं बहुत जल्द तुम इस शहर के टॉप सिंगर हो जाओगे मुझे तो डर लगता है कि दूसरी क्लब वाले तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे अंकल आप मेरे मालिक भी हैं मेरे गुरु भी हैं और मैं वादा करता हूँ जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जीते रहो बेटे तुम वाकई शरीफ खानदानी और नेक माँ बाप की औलाद हो तुम हर समय गीता क्यों पढ़ती हो क्योंकि गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है झूठ तुम गीता इसलिए पढ़ती हो कि भगवान तुमसे खुश रहे और तुम्हारे बेटे की तरक्की हो जाए लगता है कि आज फिर कोई नई खुशखबरी लाया है जी हाँ ये देखो मेरा इनाम मेरे मालिक ने खुश कर दिया है भगवान तुम्हारे मालिक को हमेशा खुश रखे बड़े देवता जैसे इंसान है वो सो तो है माँ जाते उन्होंने क्या कहा यही कि मोहन देश का बहुत बड़ा सिंगर बनेगा नहीं चाचा जी देश का नहीं शहर का कोई बात नहीं उनकी तरफ से शहर के बन जाओ हम तुम्हें देश का बना देते अरे हाँ मोहन ठीक याद आया तुम्हारा दोस्त परवीन सुबह से 3 बार आके गया कह रहा था कि कोई खास काम है अच्छा मैं मिल लेता हूँ बाय चाचा जी बाय बेटे अरे ओ परवीन भाई अरे कहां से बोल रहे हो अरे मुंह से बोल रहा हूँ और कहां से बोल रहा हूँ तेरा इकलौता मैकेनिक कहां गया उसकी इकलौती बीवी को इकलौता बेटा पैदा हुआ छुट्टी लेकर गया ओहो मुझे क्यों बुलवाया तू जरा एक मिनट ठहर मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ फिर बताता हूँ माफ कीजिए माफ कर दिया जी आपने माफी मांगी मैंने माफ कर दिया परवीन भाई हैं यहाँ आप परवीन भाई की बहन हैं जी नहीं कमाल है कि साले ने अभी तक मिलाया नहीं शट अप जी मैं उनकी बहन नहीं हूँ सब उन्हें भाई कहते हैं इसलिए मैं भी कहती हूँ माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई मेरे लायक कोई खिदमत मुझे एक मैकेनिक चाहिए आप जैसी खूबसूरत लड़की को तो हजारों शहजादे मिल जाएंगे फिर ये मैकेनिक क्यों लगता है आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है जी मौके के लिहाज से अपनी हर चीज चल जाती है मैं कल गाड़ी यहाँ से ठीक करवा के ले गई थी और आज फिर आवाज कर रही है क्या है कि आपके हुस्न ने बेजान पुर्जों में जान डाली मैं नाराज मत होइएगा क्या है कि चमड़े की जबान है जितनी बार खींचने की कोशिश करता हूँ साली फिसल जाती है मैं इसकी बंद कर देता हूँ आई मीन आवाज सॉरी स्टार्ट कीजिए ओके फॉर यू या ये लो ये क्या है तुम्हारा इनाम लेकिन सुनो जुबान जरा कम चलाना लगता है भगवान आज माँ की पूजा से बहुत खुश है जो भी मिलता है इनाम दे जाता है इनाम तुझे ही मिलेगा क्योंकि तेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है क्या मतलब मतलब ये कि इंटरनेशनल कार शो हो रहा है जो उसमें जीतेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा दुनिया भर के एक्सपर्ट ड्राइवर इसमें हिस्सा ले रहे हैं मैंने भी इम्पोर्टेड गाड़ी का इंतजाम किया है गाड़ी मेरी और हाथ तेरे और फिर इनाम 50-50 डन क्या ख्याल है इस साल का विनर कौन होगा पिछले 2 सालों की तरह राणा ये तो बताओ राणा तुम्हें कहाँ मिला डोंट बी सिली
राणा मेरे कॉलेज का दोस्त है, एज अ स्पोर्ट्समैन आई एडमायर हिम वेरी मच, लेकिन दिल से तो वो तुम्हें चाहता है। व्हाट नॉनसेंस। हेलो, आपके शुभ मिलन का मतलब है आज की जीत मेरी होगी। मिस्टर, ये जुबान का नहीं बहादुरी का खेल है, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, वैसे आज की जीत पर आप इनाम क्या देंगे? अरे मोहन, तुम मैंने जानते हो, अरे उस दिन तो इन्हीं की आवाज बंद की थी, आई मीन आपकी गाड़ी की आवाज। परवीन भाई, आपका मैकेनिक बड़ा बदतमीज है। ये मैकेनिक ही नहीं, मेरा अजीज दोस्त है, मेट्रो क्लब का फेमस सिंगर, आज आप इनका कमाल देखिएगा। कमाल तो नहीं, बुरा हाल जरूर देख लेंगे। हेलो, हाय हाय, ओके ओके, अच्छा गिव मी साइन प्लीज, ओके, आह ना, हाय गीता, हाय रन, क्रेजी पीपल, मुझे यकीन है इस साल का नाम तुम ही जीतोगे। गीता, एक छोटी सी समस्या है, उसका समाधान तुम ही कर सकती हो। बोलो। आज गुड लक के तौर पे मैं तुम्हारे हाथ का एक प्यार लेना चाहता हूँ। जरूर मिलेगा राणा, लेकिन जीत के बाद। जीतूंगा तो मैं। बेस्ट ऑफ लक। देख गुरु, इज्जत का सवाल है, रेस के बाद ये सारी भीड़ तेरी दीवानी होनी चाहिए। आज के कार शो के विजेता हैं मोहन अन्ना। कंग्रेचुलेशन। शुक्रिया। राणा ने जो नाम मांगा था वो अब आपका है, जीत आपकी हुई। ये नाम उधार रहा, जब मांगूंगा दे दीजिएगा। बाय। हा,
लो मियां अभी बच्चे हो, आइसक्रीम खा के ठंडे हो जाओ। ठंडा हो जाओ। मोहन, स्पोर्ट्समैन हो, पब्लिक के हीरो, आपस में झगड़ा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आइंदा ये नहीं होना चाहिए, समझे? कहा तुम्हें अपनी हार पे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। अपसेट मैं अपनी हार पे नहीं हूं दोस्त, गीता की बेवफाई पे हूं, और जब तक गीता को अपना वफादार नहीं बना लूंगा मैं चैन से नहीं रहूंगा। सोच लो, गीता का बाप करोड़पति आदमी है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं तो सोच रहा हूं कि आप हांगकांग जाके सेटल हो जाओ, बिजनेस के अलावा वरहन सेन का ढंग ही अलग है। ये बात तो मैं कई सालों से सुन रहा हूं। ठीक है, पर पता नहीं इस देश की मिट्टी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। और हाँ, वो खन्ना वाले हीरों का क्या हुआ? अब तो बहुत दिन हो गए। बात तो कई जगह चल रही है, जब असली सौदागर मिल जाएगा माल तुम्हारे हाथ में आ जाए। भाई जल्दी कर दो, बहुत साल से उस पैसे के लिए हाथ खुजला रहा है। हाय डैड। हाय बेटे। हेलो अंकल। हेलो गीता, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। हाँ बेटे, वो शाम को तैयार है, नटू भाई की पार्टी। ओह नो डैड, आज शाम को मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे होटल मेट्रो जाना है। लेकिन बेटे मैंने। अरे भाई, ये लड़की तुम कारोबारी लोगों में बैठकर क्या करेगी, बोर हो जाएगी। बेटे तुम होटल जाओ, मैं टेलीफोन कर देता। वो होटल भी अपना ही है। That's good. अंकल वहाँ कोई सिंगर मोहन ना? हाँ। अरे अपना बच्चा है, होटल की जान है वो। ये जवानी है, ये जवानी है मेरी जान, धूम मचाने के लिए, नाचने गाने के लिए, मौज उड़ाने के लिए। हे हो हाँ, ये जवानी है मेरी जान, धूम मचाने के लिए, नाचने गाने के लिए, मौज उड़ाने के लिए। ओ हा हा, ये जवानी है मेरी जान। मोहब्बत देखे
दिल का प्यार जिंदगी में आए ये मौका एक बार। मांग लो मोहब्बत देके दिल का प्यार जिंदगी में आए ये मौका एक बार। कोई गुल खिलाओ चली जाए न बहार ये उम्र ये नजर ये लचक ये कमर हा ही हु हा हा। ये जवानी है मेरी जान धूम मचाने के लिए नाचने गाने के लिए मौज उड़ाने के लिए हो हो आ हा। ये जवानी है मेरी जान अदाओं से ये मुस्कुराना तेरा शर्म से ये पलके झुकाना तेरा तेरे हुस्न की यही तारीफ है के आशिक है सारा जमाना तेरा। अदाओं से ये मुस्कुराना तेरा शर्म से ये पलके झुकाना तेरा तेरे हुस्न की यही तारीफ है के आशिक है सारा जमाना तेरा। दिल रुबा पास आ तू बिगा हा ही हो हा हा। ये जवानी है जाने जा ये जवानी है जाने जा दिल मिलाने के लिए प्यार निभाने के लिए मौज जुड़ाने के लिए ये जवानी है जाने जा। उस दिन को जल्दी बुलाओ ना।
किसको? शादी के दिन को। माँ ये देखो माँ कौन आया है। नमस्ते माँ जी, खुश रहो बेटे। कौन है ये बेटे? ये गीता है माँ। तुम्हारी गीता नहीं। समझ गई, ये तेरी गीता है। अच्छा माँ तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुम चाय बना? हाँ। घर में आते ही बेटा है ना बेटी बन जाता है, कोई काम नहीं करने देता मुझे, खाना तो खुद ही पकाता है। लगता है आपने अपने बेटे में सारी खूबियां भर दी। एक ही तमन्ना थी, उसे ऐसी लड़की मिल जाए जो उसकी खूबियां समझ सके। आज तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो तमन्ना भी पूरी हो गई। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सिर्फ पिताजी। तुम्हारे पिताजी मोहन को पसंद करते हैं? जी, मेरी पसंद ही उनकी पसंद है। बेटी तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। अरे इनके लिए चाय नाश्ते का तो इंतजाम करो। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ छोड़ो, पहली दफा हमारे घर आए हो, तुम्हारी खातिर करना हमारा फर्ज है। जाओ बेटी जाओ। जी पिताजी। जवानी और स्मार्टनेस खुद में बहुत बड़ी खूबी है, और फिर तुम तो गाते भी बहुत अच्छा। ये सब आपकी दुआएं हैं। समझ में नहीं आता इन दुआओं को बददुआओं में कैसे बदल। जी मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ, ये गीता का बेडरूम। ये उसके कपड़े, लेटेस्ट कपड़े पहनने का उसे बहुत शौक। आप गीता का बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों ना, इकलौती बेटी, जो कुछ है सब उसका है। और ये उसके जेवरात। लेकिन अंकल ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? दिखा नहीं रहा, देख रहा हूं। गीता की जिंदगी के उस खाने को ढूंढ रहा हूं जिसमें तुम फिट हो सको। अंकल मैं एक बाप अपनी औलाद को खुशियों की जिंदगी गुजारने की दुआ देता, मैं उसे तुम्हारे जैसे टटपूंजे के साथ जिंदगी गुजारने की बद्दुआ कैसे देता? डैडी, डैडी आप क्या कह रहे हैं? मोहन को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। ऐसी भूलो बेटियां अक्सर किया करती, जिनकी दौलत का सहारा लेकर ऐसे लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं। ऐसी दौलत ऐसी अमीरी के सपने ना मैंने कभी देखे हैं, ना मुझे इसकी कोई जरूरत है। गरीब की अमीरी उसकी मेहनत की रोटी, उसका दिल, उसका प्यार हुआ करता है। वेरी गुड, ये वो डायलॉग है जो दुनिया के कायम होने से हर गरीब आदमी बोलता है और रहती दुनिया तक बोलता रहेगा। लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बोल रहे हो। डैडी आपको मोहन की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। अब तक तो मैं इसके बचपने को दुनियादारी की तालीम दे रहा था, बेइज्जती तो अब करूंगा। रामू धनिया, इस लड़के को धक्के मार के घर से बाहर निकाल। डैडी धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, आपकी तालीम ने मुझे आज जो कुछ भी सिखाया है इसका जवाब आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा। मोहन गीता, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा, ये सिला दिया है तुमने मेरे प्यार, मेरी छूट का। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है डैडी। प्यार करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन जानबूझकर कीचड़ में कूदना कोई अकलमंदी नहीं। आज के बाद ये लड़का तुम्हारी जिंदगी में नहीं दिखा देगा। ऐसा मत कहिए डैडी, मोहन गरीब जरूर है लेकिन हजारों अमीरों से अच्छा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बाप के बिना रह सकोगी? डैडी जिस बाप ने अपनी बेटी की खुशी और आराम के लिए हर चीज निछावर की, वो आज अपने असूलों के लिए अपनी जान भी दे सकते। डैडी डैनी, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। तो ये हीरालाल जी क्या हाल है? मुझे अपने हिस्से की रकम चाहिए, मैं हांगकांग जा रहा हूँ 2 दिन बाद, हमेशा के लिए। रकम तो आपकी मिल जाएगी लेकिन इतनी जल्दी क्या है? क्या बताऊं, औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है लेकिन मेरी बेटी मेरा नाम खाक में मिलाने पे तुली हुई। वो सिंगर लड़का है तुम्हारा मोहन, वो मेरी बेटी का पति बनकर करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहा है। ये छोकरा तो बड़ी ऊंची चीज निकला। मोहन नहीं, मोहन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती मैं। जानता हूँ गीता, लेकिन मैं ये लेकिन की दीवार तोड़ देना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे पिताजी की दौलत, मेरी दौलत तुम हो। मैं भी उनकी दौलत नहीं, उनकी मर्जी चाहता हूं।
ताकि दुनिया वाले यह ना कहे कि मैंने बाप से उनकी औलाद को छीन लिया। मुझे गलत मत समझो, बाप का साया भगवान से बढ़कर है, जो मेरे सर पर नहीं है, इसलिए इसकी कदर अच्छी तरह जानता हूं। हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, मान गए तो ठीक है, वरना हमारा आखिरी फैसला है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मोहन, गुड मॉर्निंग हीरा। आओ डैनी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज शाम की फ्लाइट से मैं चला जाना चाहता हूँ। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर तुम चाहो जो कांटा तुम्हें चुभ रहा है उसे साफ कर दूं। नहीं नहीं नहीं, खून खराबे से मैं दूर ही रहना पसंद करता हूं, और इस तरह मेरा हांगकांग में रहने का सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ रुपए लाए? हाजिर हैं। तुम्हारे हीरो का सौदा तो अभी तक हुआ नहीं, इसलिए ये रुपया अपने पास से लाया हूं। पूरे 10 लाख हैं, गिन लो, ये लो, ये लो। यहाँ की मिट्टी तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए इसकी ख्वाहिश है कि तुम इसे मिलो। माफ करना दोस्त, मुझे तुम्हारा सारा हिसाब यहीं पूरा करना था। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ। तुम हीरालाल जी की बेटी हो? जी। मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूं। जी। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन यहाँ चोरी नहीं हुई, दुश्मनी किसी से नहीं थी, फिर ये सेठ हीरालाल का कत्ल किसने किया, क्यों किया? सर, गीता की मुलाकात एक अजनबी से हुई थी, शायद वही कातिल है। मैंने रिकॉर्ड रूम से पेशावर मुजरिमों की फाइल मंगवाई है, मुझे उम्मीद है गीता कातिल को पहचान लेगी। आई सी। ये धीरज से काम लोगी था, होने को भगवान की मर्जी समझकर सब्र करना चाहिए। होने पर सब्र किया जा सकता है मोहन, करनी पर नहीं। पिताजी की मौत किसी जालिम इंसान की करनी है। इस करने की सजा उसे मिलेगी, मैं उस पेशे की तलाश करूंगा, उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। मोहन, ये लो भागवत गीता, मां कहती इसे पढ़ने से मन को शांति मिलती है। शायद कोई आया है। अंकल आप, कुछ पता चला? नहीं, गीता कहां है? अंदर है, आइए। गीता बेटी, इस फाइल में कातिलों की तस्वीरें हैं, जरा देख लेना। कातिल मिल गया है चाचा जी। मिल गया? तुम्हारे पिताजी, जिनके कानून को बहुत बरसों से तलाश है, अब समझी।
मेरे पिताजी का खून क्यों किया गया? क्यों? अपने बेटे की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। गीता, मेरे पिता ने मोहन की बेइज्जती की थी, उसे गरीब और छोटा इंसान कहा था, इसलिए मोहन के पिता ने। ये झूठ है गीता, मैं जानता भी नहीं कि मेरे पिताजी। मैं सब जान गई हूँ मोहन, तो प्यार करने वालों के बीच बुजुर्गों की सिद्ध हमेशा आती रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कत्ल किया जाए। हो सकता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत चाहते हों, लेकिन मोहन मैं अपने पिता को कम नहीं चाहती थी। गीता, खबरदार जो मेरा नाम अपनी जुबान पर लाए। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे कातिल बाप से। गीता, मोहन, मोहन बेटे, मोहन गीता कहाँ है? गीता चली गई माँ, तुम्हारी गीता के सामने वो टिक नहीं सकी। ये तुमने क्यों निकाली? तुम्हारे भगवान को पहचानने के लिए, उस पाप की शक्ल को देखने के लिए जो हमसे बिछड़ गया है, जो तुम्हारे शब्दों में एक ऐसा देवता है जिसके नाम की संसार को पूजा करनी चाहिए, जो कानून से भगा हुआ एक मुजरिम है, चोर है, डाकू है, कातिल है, खबरदार जो अपने पिताजी के बारे में कुछ शर्म दिला रही हो, जिसने तुम्हें चिता जगता विधवा बना दिया है, तड़प तड़प कर जीने के लिए छोड़ दिया अपने पत्नी और बेटे को, जिस बाप ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखने की बजाय उसकी प्रेमिका के बाप का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? गीता ने अपनी आंखों से देखा है, पहचाना है। अगर भगवान की गीता भी कहे तो भी मैं ये सच नहीं मान सकती। जमीन फट सकती है मोहन, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन उनके नाम पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सच नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो सच नहीं हो सकते। तेरा विश्वास मेरे लिए संसार की हर चीज है माँ, मुझे सब कुछ बता दे, तेरे चरणों की कसम, तेरा बेटा अभिमन्यु बनकर तोड़ देगा इस चक्रव्यूह को। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कोई चारा नहीं। हीरालाल मेरा जिगरी दोस्त है बेटे, अब मैं तुम्हें इस मधुस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा, चलो मेरे साथ, चलो बेटे, चलो मेरे साथ। आ, आ। लेकिन मोहन, तुम्हारे पिताजी को पता कैसे चला कि गीता के डैडी ने तुम्हारी बेइज्जती की थी? ये गीता की गलत फहमी है, मुझे तो पिताजी की सूरत भी याद नहीं है, और मां से उन्हें मिले हुए कई साल हो गए। इसका मतलब है ये भी एक इत्तफाक है कि उन्होंने खून किसी और वजह से किया था। वो खूनी नहीं हो सकते, लेकिन गीता ने उनकी फोटो पहचानी है, और कानून, कानून और गीता दोनों धोखा खा सकते हैं, लेकिन वो मां नहीं जिसे मुझे जन्म दिया है, और एक दिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। कैसे? परवीन, ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, किराए पे गई थी, आ जाइए। किसको दिया था, किसके पास थी? तुम्हारे डैनी अंकल की खास डांसर है ना, मिस टीना, वो ले गई थी। बात क्या है? टीना। चीयर्स। चीयर्स। डार्लिंग, तुमने गीता को यहाँ क्यों बुलाया? तुम नहीं जानती डार्लिंग, हीरालाल जो करोड़ों की जायदाद छोड़ गया है उसकी इकलौती वारिस गीता ही तो है। ओहो, एक तीर से दो शिकार, काम बनते ही चिड़िया के पर काट दिए जाएंगे। गुड इवनिंग अंकल। तुम, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए, खैरियत इसी में है कि वापस चले जाओ। गीता मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बेटी है, उसके दुश्मन को हम अपना दुश्मन। ये दुश्मनी गलत फहमी है जिसे मैं दूर कर दूंगा। इस वक्त मैं गीता से नहीं, गीता के पिता के कातिल के साथी से मिलने आया हूं। कौन है उसका साथी?
जिना, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरे पास सबूत है, वो गाड़ी जिसमें कातिल बैठ कर गया था एक महीने से टीना के पास थी। खूब, तुम अपने बाप का इल्जाम दूसरों पर थोपना चाहते हो? उस गाड़ी में लगे स्टिकर ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब टीना से पूछिए कातिल के पास उसकी गाड़ी कैसे पहुंची। ये सबूत नहीं, इल्जाम है, तुम्हारा वहम। इस वहम को मैं दूर कर दूंगा। बोलो टीना। मोहन, छोड़ दो टीना का हाथ, वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। अंकल, आप इस बात में मत बोलिए। बोलो टीना, सच्चाई क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी। यू फूल, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम जाते हो या बुलाऊं अपने आदमियों को? इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे जो कुछ भी जानना है मैं जान ही लूंगा। डैनी, अब मोहन को शक हो गया है। घबराओ नहीं डार्लिंग, अब ना ये रहेगा ना इसका शक रहेगा। मैं दोनों को खत्म कर दूंगा, अब इंतजाम करता हूं इसका। उत्तम, मोहन हमारे रास्ते का कांटा है। ठीक है बॉस, मैं अभी मोहन की बंसरी बजा दूंगा। अब करना पड़ेगा। टीना का किट। या रलू, या रलू, या रलू, या रलू, या रलू।
कितना जोर है। कुछ ऐसे आशिक सामने में लाने वाली हूँ, कुछ ऐसे आशिक सामने में लाने वाली हूँ जो देखे नहीं आपने कहीं, दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे आशिक सामने में लाने वाली हूँ। ये देखो बंबई का दादा, बातें करता था ये ज्यादा, इससे टक्कर लेने का था बहुत दिनों से मेरा इरादा। ये देखो ऐसा इसको मारूंगी, सब दादागिरी उतारूंगी, दादागिरी उतारूंगी, कुछ ऐसे आशिक सामने मैं लाने वाली हूँ, कुछ ऐसे आशिक सामने मैं लाने वाली हूँ। जेब कटा ये दिल्ली वाला, करूंगी मैं इसका मुकाला, तब से पड़ा है मेरे पीछे है मेरा चाहने वाला। जेब कटा इसको मजा चखा दूंगी और नानी याद करा दूंगी, नानी याद करा दूंगी, कुछ ऐसे आशिक सामने मैं लाने वाली हूँ, कुछ ऐसे आशिक सामने मैं लाने वाली हूँ। इस पे जादू मैं इश्क का चलाने वाला हूँ, इस पे जादू मैं इश्क का चलाने वाला हूँ, जो देखा नहीं आपने कहीं, दिखाने वाला हूँ। इस पे जादू मैं इश्क का चलाने वाला हूँ। कौन है तू? प्यार तेरा क्या चाहता है? प्यार तेरा प्यार मेरा और प्यार तेरा और भी कुछ? दीदार तेरा यार तेरा प्यार तेरा दीदार तेरा यार तेरा प्यार तेरा दीदार तेरा। ये क्या मुझको होने लगा, सब कुछ मेरा भूलने लगा, सब कुछ मेरा भूलने लगा। पहले तो दिल भड़केगा, बाद में शोला भड़केगा, इतना मुझ में खो जाएगी, फूल सी नाजुक हो जाएगी, तेरे ख्वाब जगा दूंगा, नींदें तेरी जगा दूंगा, सूरज रात को दिखलाऊं, चंदा दिन में चमकाऊं, चंदा दिन में चमकाऊं, गालों पे लाली आ जाए, आंखों में मस्ती छा जाए, जलवा वो दिखा दूंगा, जन्नत में पहुंचा दूंगा, जिसको लेने आ जाता हूँ उसको छीन के ले जाता हूँ, ले जाता हूँ 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 जाता। अंकल की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं भतीजे। इस गलती के लिए माफी चाहता हूं चाचा जी। उत्तम पकड़ो इस बदमाश को।
मौत के मुंह में। तुम? जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई बता दो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, शायद भूल गई हो। नहीं, नहीं, ये क्या कर रहे हो? भूली हुई यादों को ताजा करने का रास्ता बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आग इन खूबसूरत बालों को जलाएगी, उसके बाद इस खूबसूरत चेहरे को, और उसके बाद ये खूबसूरत जिस्म चिता की आग में जलकर राख। नहीं मोहन, मैं कुछ नहीं जानती, फॉर गॉड सेक, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ नहीं मालूम। बोल, मेरे डैडी कहाँ है? बताती हूँ, बताती हूँ। तुम्हारे डैडी मरे नहीं, जिंदा है। कहाँ है वो? अरे बेवकूफ, रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं। Thank you.
टीना की लाश पुलिस को मिल चुकी है। मिस्टर डेनी जी, आपको किस पर शक है? मोहन पर। मोहन? जी हाँ, कल रात भरे हॉल से सबके सामने टीना को उठाकर ले गया। लेकिन क्यों? मोहन को टीना से क्या दुश्मनी हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब। अंकल, क्या हुआ अंकल? क्या मोहन ने वाकई खून किया है? हाँ बेटे, कातिल बाप का बेटा खुद भी कातिल बन गया। मोहन, टीना के कत्ल का इल्जाम तुम पर आ गया है। अब एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जाने के आदमी मेरी तलाश में। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपने पिताजी की तलाश। परगुन, फिलहाल मैं यही रहूंगा। तुम पुलिस और डैनी के प्रोग्राम के बारे में मालूम करके मुझे खबर करोगे। बहुत अच्छे। कान खोल कर सुन लो, मोहन मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। पुलिस के हाथों में पड़ने से पहले। जी सुनो, मोहन मुझे जिंदा चाहिए। मैं बाप के हाथों बेटे का कत्ल करवाना चाहता हूं। मोहन, मोहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? परवीन भाई की मदद से। वो खुद क्यों नहीं आया? पुलिस उन पर भी नजर रखे हुए है, और ये सब उस कमीने दैनी की वजह से हो रहा है। वो तुम्हें जान से मार देना चाहता है। मेरी जान उनको बहुत भारी पड़ेगी गीता। फिलहाल डैनी को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम उससे मिले हो। मेरी दुश्मन बनकर साये की तरह उस पर नजर रखो। लेकिन मोहन, तुम पुलिस और डैनी की नजरों से कब तक बचे रहोगे? जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। ओ, अब भगवान के घर में ही होगा। गीता की मोहब्बत से बेचैन होकर कभी कभी मैं इस वीराने में आ जाया करता हूं, लेकिन यह वीराना सनम खाना बन जाएगा यह मुझे मालूम नहीं था। राणा, तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो और मोहन मेरा प्यार है। मैं इस प्यार का हकदार बनना चाहता हूं। यह मेरी जिंदगी में नामुमकिन है राणा। हम तुम्हारी जिंदगी को मिटाकर इसे मुमकिन कर देंगे दोस्त। राणा, मैं तुम्हारी बहादुरी की इज्जत करती थी। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने छोटे आदमी निकलोगे। मोहब्बत और जंग में छोटा बड़ा सब चलता है, लेकिन हम अपनी महबूबा की ख्वाहिश का एहतराम जरूर करेंगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत को मरते दम तक अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मोहन ने इस चाकू को हासिल कर लिया तो आज राणा तुम दोनों को जाने देगा। बोलो, सौदा मंजूर है? मंजूर है। मोहन, एक सौदा मैं भी करता हूं राणा। तुम जैसे बेवकूफ आशिक को अपने हाथों से नहीं मारूंगा।
तुम डैनी को वहां वापस जाओ, कोई खास खबर हो परवीन को फोन कर देना। तुम कहां जा रहे हो? मां से मिलने जा रहा हूं, जाओ। हे प्रभु, कहते हैं कि तू अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है। पहले मेरे पति और अब मेरे बेटे पर खून का इल्जाम। सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। भगवान मोहन, मोहन बेटे, खूब सिला दिया तूने अपनी माँ की तपस्या का। कौन सी कमी थी मेरी परवरिश में जिसने तुझे हत्यारा बना दिया? तू भी मुझे कातिल समझती है? जिस पत्नी के विश्वास ने अपने पति को देवता बनाया हुआ है वो मां बनकर अपने दूध पर से विश्वास छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता। मां मोहन, तेरे दूध की सौगंध मां, तेरे बेटे से कोई खून नहीं हुआ, उसे फंसाया गया है। और अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मैं बहुत ही जल्द फंसाने वाले को बेनकाब कर दूंगा। मेरा यहां ठहरना ठीक नहीं है। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। जाओ बेटी, जाओ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे बच्चे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अकेला छोकरा 40 आदमियों की आंखों में धूल झोंककर चला गया। इस बार माफ कर दीजिए बॉस, दोबारा ऐसा नहीं होगा बॉस। दोबारा ऐसा होगा तो तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। जाओ अपने आदमियों से कह दो कि मोहन की तलाश जारी रखें। ओके बॉस। सुनो जी, मूलचंद जौहरी हमारे साथ बिजनेस के लिए आ रहे हैं, लाखों का बिजनेस है, उनकी खातिर तवाजो का पूरा इंतजाम किया जाए। बॉस आप कहे तो आशिक कमाल को बुलवा लूं।
जश्न मजा जाएगा। आशिक कवाल को बुक करो। ओके बॉस। किस आशिक कवाल को बुला रहे हैं अंकल? मेरे दोस्त आ रहे हैं बिजनेस के लिए, उनकी खातिर तवाजा का इंतजाम किया जा रहा है ना। हेलो परवीन भाई, मोहन को? ठीक है गीता, तुम फिक्र नहीं करो, मैं मोहन को फौरन भेजता हूँ। ओके आदाब। आदाब बजा ले तो नैनी साहब, जी नाचिस को आशिक लखनऊ भी कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम तो रात का है, इस वक्त आप यहाँ कैसे आए? हुजूर बात ऐसी है, आपके आदमी कवाली के लिए जो पेशगी दे गए थे वो मैं वापस देने आया हूँ। क्यों, उसकी वजह? हुजूर बात ऐसी है, हमारे साथ संगत करने वाली हसीना कानपुरी की वालदा का इंतकाल हो गया है। वो मैं नहीं जानता, तुम अकेले प्रोग्राम दो। दे तो देता साहब, क्या है कि कवाली में सवाल जवाब चलते रहते हैं और बिना जवाब देने वाली के सवाल अधूरे रह जाएंगे। अगर जवाब देने वाला तुम्हारे सामने हो तो ऐसी महफिल जमा दूंगा हसीना कि जनाब जब तक जिंदा रहेंगे याद करेंगे। तो जवाब मैं दूंगी। तुम घबराइए मत अंकल, कॉलेज में हर साल सिंगिंग अवार्ड मुझको ही मिलता है। मोहतरमा, शौक और पेशे में बहुत फर्क होता है। मैं आपके पेशे को चैलेंज करती हूँ जनाब आशिक लखनवी साहब। सरे अजीज की कसम, हुस्न की ललकार पर इश्क कभी पीछे नहीं हटा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। शुक्रिया, आप अपने मेहमानों का इंतजार कीजिए और मैं आपके जश्न का पूरा पूरा इंतजाम करता हूँ। ये तो वही हीरे हैं जो 10 साल पहले खन्ना ने चोरी किए थे। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपकी नजर। खानदानी चोरी है धनी साहब, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे है? सेठ जी आम खाइए, पेड़ गिनने से क्या फायदा। संभालिए संभालिए। ठीक है, ये लीजिए आपकी रकम। पूरे 20 लाख रुपए हैं। वाह वाह वाह। यानी साहब, कोई ऐसा वैसा माल आए तो हमें याद करना। अरे सेठ जी, अब तो अपना जिंदगी भर का साथ है। सिर्फ धंधे में या? अजी आपके हमारे शौक तो बराबर हैं। मैंने आपके लिए पूरा इंतजाम करके रखा है। वेरी गुड। अंदाज में हम दिलों के गहरे राज में हम हर नगमे हर साज में हम हर मीठी आवाज में हम महफिल की हर शाम के हर एक जाम में रहते हैं। अजी पूछिए हम कौन हैं, हमें इश्क कहते हैं। आ कलियों की शोख जवानी में और अंगूर के पानी में हर चांदनी रात सुहानी में हर दिल की जवां कहानी में नकाब में पर्दे में कभी चिलमन में रहते हैं। अजी पूछिए हम कौन हैं, हमें हुस्न कहते हैं। चिलमन में रहते हैं। चिलमन से निकल कर सामुनिया हम जलवे चुराने आए हैं।
चिल मन से निकल कर सामने आ, हम जलवे जुड़ाने आए हैं। जरा दिल की खिड़की खोल के तेरे यार पुराने आए हैं। इस हुस्न की चाहने वाले यहाँ कई बार दीवाने आए हैं। इस हुस्न की चाहने वाले यहाँ कई बार दीवाने आए हैं। वो खाक हुए इन गलियों में जो खाक उड़ाने आए हैं। इस हुस्न के चाहने तेरे मजनू है हम कोई गैर नहीं ऐ शोख हसीन। ऐ लैला तेरे मजनू है हम कोई गैर नहीं ऐ शोख हसीन। बरसों से तेरे दिलदार हैं हम क्या इतना तुमको याद नहीं। क्या इतना तुमको याद नहीं। जितने भी पुराने किस्से हैं, जितने भी पुराने किस्से हैं, किस्से हैं, किस्से हैं, जितने भी पुराने किस्से हैं वो याद दिलाने आए हैं। जरा दिल की खिड़की खोल के तेरे यार पुराने आए हैं। चिल मन से निकल कर सामने आ, मजनू रांझे बन कर ना जिंदगी को बर्बाद करो। मजनू रांझे बन कर तुम ना जिंदगी को बर्बाद करो। हालत क्या हुई थी उनकी भला जरा दिल को पकड़ के याद करो। जरा दिल को पकड़ के याद करो। छूट जाए खुद ही राहों में, छूट जाए खुद ही राहों में, राहों में, राहों में, छूट जाए खुद ही राहों में जो हुस्न को पाने आए। खाक हुए इन गलियों में जो खाक उड़ाने आए हैं। इस हुस्न की चाहने ना कत्ल करो यूं आशिक को तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। ना कत्ल करो यूं आशिक को तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। जब हम न रहे तो जवानी के ये नखरे किसे दिखाओगी। ये नखरे किसे दिखाओगी। जिद छोड़ गले लग जा आके हो, जिद छोड़ गले लग जा आके तुमको समझाने आए हैं। जरा दिल की खिड़की खोल के तेरे यार पुराने आए हैं। चिल मन से निकल कर सामने आ, हर आशिक की गुजरी कहीं भी ठिकाना नहीं कहां हम भूले जाने आए हैं। खाक
जमाने में है इश्क सबसे बड़ा, मगर हुस्न के आगे है इश्क क्या, यही है इबादत यही है दुआ, इस हुस्न में है वफा ही वफा, कि मैं इश्क को मानता हूँ खुदा, मुझे भी खुदा का तू जलवा दिखा, एक बार तू मेरी बाहों में आ, नजर आए तुझको खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा का खुदा ही खुदा, खुदा एक बार तू मेरी बाहों में आ, नजर आए तुझको खुदा ही खुदा। ड्राइवर चल से चलो। यहां क्यों आए हो? क्योंकि यही तुम्हारी मंजिल है अंकल। चला हम तुम और इस ड्रेस में? इंस्पेक्टर साहब मुझे बताइए, आदमी मुझे जबरदस्ती आ लिया है। अंकल ये वो हीरे हैं जो पिताजी ने चुराए थे। झूठ है। ये सच है, और ये उन हीरों की कीमत है जिसने डैनी को दी थी। लेकिन जो तुमने खून किया है वो? अंकल मैंने कोई खून नहीं किया, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल ये आदमी पुलिस के कब्जे में है, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हवालदार जी साहब, सेठ जी को हिरासत में ले लो। चलो तो मेरे साथ आओ। मोहन का हीरो और मूलचंद के साथ हमारे आना ये साबित करता है कि उसकी नीयत कानून से भागने या उसे धोखा देने की नहीं थी। यू आर रॉन्ग इंस्पेक्टर। हीरे और मूलचंद का बयान डैनी को जरूर मुजरिम साबित करता है, लेकिन मोहन पर लगे हुए कत्ल का इल्जाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है सर, टीना डैनी की रास्ता थी, वो मुझे कुछ ना बता सकी क्योंकि उसका कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ तुम्हारा बयान है, लेकिन कानून बयान को नहीं सबूत मानता है। सर सबूत डैनी खुद अपने जबान से उगलेगा, मुझे यकीन है एक मरतबा वो गिरफ्तार हो जाए तो वो कानून से कुछ नहीं छुपा सकता। आप डैनी को गिरफ्तार कर लीजिए। माफ कीजिएगा सर, फिलहाल अगर ऐसा ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि डैनी की गिरफ्तारी हीरों के असली चोर को होशियार कर देगी, और हमारा मकसद है हीरों के चोर को सामने लाना। तुम कहना क्या चाहते हो? सर आप हीरों की नुमाइश का एक इंतजाम कीजिए, मुझे यकीन है कि डैनी और मेरे पिता मिस्टर खन्ना हीरों को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है सर, अगर वो लोग चोरी करने में कामयाब हो गए तो सरकार का बहुत नुकसान होगा। डोंट बी सिली ऑफिसर, नुमाइश असली होगी, उसमें रखे जाने वाले हीरे नकली होंगे, आप नुमाइश का इंतजाम कीजिए। ओके सर, लेकिन ये मोहन? मोहन की जमानत का इंतजाम कर दो, मैं ऊपर वालों से बात कर लूं। ओके सर। तो तुम ही थी जो उस कुत्ते को कवाल की भेस में यहाँ लेकर आई? हाँ, और जल्दी वो तुम्हें जेल पहुँचा देगा। चल ले जाओ उस कुतिया को और बंद कर दो तहखाने में। मुझे बंद करवाने से पहले तुम अपने आप को संभालो जेल की सलाखों से। बॉस मूलचंद सेठ का कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं मोहन अपने साथ नहीं ले गया, अगर वो पुलिस में? पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है जो मोहन जैसे कातिल की बातों पर भरोसा करके कोई भी कदम उठाए। लेकिन बॉस वो हीरे और 20 लाख रुपए मूलचंद सेठ की गवाही चुटलाई भी जा सकती है। मैं मोहन को ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे माँ का दूध याद आ जाए। सब ठीक है ना? ठीक है बॉस। बुढ़िया घर में अकेली है बॉस, कोई आ जाए तो 3 बार हॉर्न करना। ओके। कौन हो तू? पार्वती। हाँ पार्वती, मैं ये मत पूछो कि मैं इतने साल कहाँ था, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी चेतावनी देने आया हूँ कि अपने बेटे को संभालो, हीरो के चोर की तलाश करने से उसे बिल्कुल मना कर दो। तो फिर हीरो का चोर कौन है? मैं नहीं हूँ, खतरनाक बदमाश है, किसी तरह मैं उसे भाग के आया हूँ। तो चलो हम पुलिस की मदद ले लें। नहीं नहीं पार्वती, उसने धमकी दी है कि अगर हमने पुलिस की मदद ली तो हम तीनों को खत्म कर देगा। हाँ पार्वती, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मुझसे वादा करो कि मोहन को इन मामलों से दूर रखोगी। मैं जाता हूँ।
जल्दी अंदर आ जाओ, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। घबरा मत माँ, पुलिस ने मुझे जमानत पर छोड़ दिया। जमानत पर? शुक्र है भगवान का, उन्हें यकीन हो गया कि तुम खूनी नहीं हो। जी हाँ, और उन्हें यह भी यकीन हो गया है कि असली खूनी को मैं ही पकड़वा सकता हूँ। कौन है असली खूनी? अभी तक कोई सबूत नहीं है माँ, लेकिन शक है कि डैनी ने सब कुछ करा है। डैनी कौन? तुम्हारे मालिक? वो तो बहुत बड़े आदमी है। मुजरिम कितना भी बड़ा हो माँ, कानून के आगे कीड़े से भी बदतर होता है। और तुम कानून नहीं हो बेटे। माँ खबरदार, जो इस मामले में तूने कोई कदम उठाया तो। ये क्या कह रही हो तुम? बहुत मुश्किल से पिताजी की तलाश का एक रास्ता मिला। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू इस रास्ते पे खो जाए। माँ तेरे आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। तेरे पिताजी की जुदाई का गम तेरी परवरिश में मैं सह गई, लेकिन तेरा गम माँ, मेरा विश्वास भगवान पे से उठ गया है। आशीर्वाद क्या चीज है, तुझे मेरी सौगंध जो तूने। नहीं माँ, मंजिल तक पहुंच कर मुझे वापस आने के लिए मत कहो। तुम नहीं जानती, पुलिस एक नकली हीरों की नुमाइश कर रही है, वहां हीरों का चोर जरूर आएगा। सिक्योरिटी का सब इंतजाम हो चुका yes, है सर, चारों तरफ कैमरे फिट हो चुके हैं। जो कोई इसके करीब आएगा उसकी तस्वीर अपने आप उतर जाएगी। वेरी गुड, अलार्म्स वायर हो चुके हैं। जी, हीरे को टच करते ही सारे अलार्म अपने आप बज जाएंगे। सर, सेफ्टी के लिए मैंने मिनी कैमरा पास रखा हुआ है। गुड, नुमाइश का वक्त हो चुका है, दरवाजे खुलवा दो। ओके सर। अरे बाबा, तुम जाकर गेट पर पहरा दो। ये कुछ कमाल का बात करता है, हीरे इधर चोर इधर हम, के बाहर झक मारेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर ही झक मारो। माल अच्छा है। मुलाजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम मियां भाई। कुछ हीरे बीरे खरीद रहे हैं, सिर्फ नजारेबाजी हो रही है। हमें खरीदने की ताकत कहाँ, बस देख रहे हैं। अरे हुजूर, बसी देखनी थी तो सड़क पे हजारों घूम रही हैं, वहाँ देख लेते। आप मजाक फरमा रहे हैं? मजाक अदवर से आपकी बेटी है। लाहौल विला कुवर, क्या फरमाया आपने? ये हमारी बेगम है। बेगम? जी हाँ, तीसरे नंबर की बेगम है हमारी। माशाल्लाह, ये हुस्न और ये कमसिन उम्र और आपकी सफेद दाढ़ी। मियाँ, इसमें दाढ़ी का क्या काम है? आप बड़े नामाकुल और बदतमीज लगते हैं। गुस्ताखी, माफी चाहते। जाइए जाइए, माफ कर दिया। जाइए जाइए जाइए। कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर, लाइट्स का इंतजाम करो। इंस्पेक्टर, सबकी तलाशी ली जाए। शाबाश उत्तम, तुमने ठीक वक्त पर लाइट बुझा दी। लेकिन बॉस, हीरों का क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। भाई जी साहब को पता चलेगा तो पसीने छूट जाएंगे। माय गॉड, ना जाने हीरे कहां गायब हो गए।
आईजी साहब, मुझे खन्ना कहते हैं। मैं चोर जरूर हूँ, असली हीरो का, नकली का नहीं। आपका खन्ना। इंसल्टिंग, वेरी मच इंसल्टिंग। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। इसका जिम्मेदार तुम दोनों में से एक है। हमने क्या किया सर? नुमाइश सिर्फ एक प्लान थी जिसमें रखे जाने वाले हीरे नकली थे और ये राज हम तीनों के सिवा किसी को मालूम नहीं था। फिर ये हीरों के चोर को कैसे पता चला? लेकिन सर, हमने तो ये बात किसी से नहीं कही थी। जानबूझकर न सही, अनजाने में ये बात किसी के सामने जरूर निकली है, और जिसके सामने निकली है वो हीरों के चोर का साथी है, और उसे गिरफ्तार करना हमारी कामयाबी है। मोहन बेटे, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, हमें अभी जाना है। कहाँ? हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? ये तू पुलिस वालों की तरह बहस क्यों कर रहा है? जवाब दो माँ, हम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी मोहन। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। हम ये शहर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इंसान जो तुम्हारे लिए देवता है, जिसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हें मिल गया है। क्या बक रहा है मोहन? मैं ये शहर इसलिए छोड़ रही हूँ, सच्ची जबान झूठ बोलते वक्त हमेशा लड़खड़ा दिया माँ। मैं सच बोल रही हूँ मोहन। ये तो उस बेटे से कह रही है जिसने तेरी आंखों से टपके हर आंसू को गीता रामायण की तरह पढ़ा है, जिसे तेरी सच्ची मंत्र और झूठी तसल्लियों की गोद में अपनी परवरिश पाई है, जिसे तुझे भगवान से जाना है, समझा है? तू वो क्यों नहीं समझता जो मैं तुझे कह रही हूँ? इसलिए कि जिंदगी में पहली बार तू अपने बेटे से झूठ बोल रही है। मोहन, माँ, माँ जैसी देवी इस संसार में ना कभी पैदा हुई या ना होगी। भगवान के लिए माँ, झूठ की कालक से उस देवी की महानता को धक्का मत कर। सच बोल माँ, तुझे मेरी कसम, तू सच बोल। माँ अपने बेटे की झूठी कसम कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती। पिताजी कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, वो जब भी मिले यहाँ आकर मिले। तुमने उन्हें नकली हीरों की नुमाइश की बात बताई थी? हाँ। क्यों? ताकि वो पकड़े न जा सके। इसका मतलब हीरों का चोर वही है? वो नहीं है मोहन, उनकी मजबूरी है, जिन्हें उसने एक शैतान के हाथों कठपुतली बना रखा है। कौन है वो आदमी? ये तो वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन बरसों से उस शैतान के इशारों पर नाच रहे हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो तुझे और मुझे दूसरे देश में ले जाएंगे। वो हमें कब मिलेंगे? 10 बजे उन्होंने हमें पवई लेक पे बुलाया है। बैठो बैठो। सुना है कि तुम दूसरों का काम नहीं करते? शेर अपना शिकार खुद करता है और खुद खाता है। डैनी, मैं भी तुमसे एक शिकार करवाना चाहता हूं। राणा अपना सुर तोड़ सकता है, लेकिन इनाम उसकी मर्जी का होना चाहिए। ठीक है, इस बैग में 2 लाख रुपए के नोट हैं। राणा कागज के टुकड़ों से नहीं, दिल के टुकड़ों से मजबूर है, और इस दिल के अंदर जो लड़की बसी है ना, वो तुम्हारी भतीजी है। तुम्हारा मतलब गीता से है? जी हाँ, गीता। कॉलेज के जमाने से मैं गीता को गीता की तरह पूछता हूँ, लेकिन वो और वो किसी और से प्यार करती है। जी हाँ, और मैं उसकी मोहब्बत को जीतना चाहता हूँ, क्योंकि जीतना मेरा शौक है। तुम गीता से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त नहीं, काम बताइए। मुझे मोहन चाहिए। मोहन की लाश आपके पास 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। लाश नहीं, मुझे मोहन चाहिए जिंदा। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं उसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। कल सवेरे 10 बजे वो अपने बाप से मिलने हवाई लेक पर आ रहा है, और उसका बाप उस कोठरी में कैद है। बेटे को बाप से मिलाना मेरा काम है। समझ में नहीं आता, तेरे पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? हम आ गए हैं। तुम? तुम्हारा पुराना दोस्त। तुम यहाँ कैसे? मौत से कभी नहीं पूछते कि वो कब, कहाँ और कैसे पहुंच जाती है। जिंदगी मौत का मुंह कैसे मोड़ती है, देख लिया दोस्त? Thank you.
मैंने डैनी से वादा किया है कि जहां बाप है वहीं बेटे को पहुंचाऊंगा। मोहन तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। बस तो मैं बाहर भी जाता प्यारे, लेकिन अंदर मैं इसलिए आया हूं कि मुझे मेरे पिता से मिलना है। बोल मेरे पिता कहां है, बोल। पहली गोली बाहर से गुजरी है, दूसरी तेरे सीने से गुजरेगी। बोल मेरे पिता कहां है। मोहन तेरे पिता सामने वाले सेल में है। ज्यादा होशियारी करोगे तो ये छन्नी कर दूंगा। पार्वती तुम्हें कैसे पहुंच गई? बाद में बताऊंगी, पहले यहां से जल्दी निकल चलिए। ये अपना बेटा मोहन है। कितना बड़ा हो गया बेटा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भगवान के लिए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पार्वती तुम, क्या ये बदमाश तुम्हें भी उठा लाए? अजीब बात है, ये बहुरुपया कौन है? बहुरुपया तू है कमीने, जो मुझे कब्जे में करके मेरे नाम और सूरत का फायदा उठा रहा है। ये झूठ बोल रहा है पार्वती, मैं तुम्हारा पति हूं। मोहन बेटे तेरा बाप मैं हूं। मोहन? मोहन कौन? मेरा बेटा? पार्वती क्या ये मेरा बेटा है? ये मेरा बेटा है, मैं हूं इसका बाप। ठहरिए, आप लोगों में से असली कौन है और नकली कौन? जब तक उसका फैसला नहीं होता कोई किसी के करीब नहीं जाएगा। फैसला होगा बेटे, मुझ सुहागन को विधवा का जीवन बिताने पर मजबूर करने वाला और मेरे बेटे को यतीम कहलाने वाला, इन दोनों में से कौन होगा वो मैं बताऊंगी। पार्वती तुम्हारी जरा सी भूल सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पत्नी परमेश्वर को पहचाने में भूल कर सकती है, पति को नहीं। मुझ पर यकीन करो पार्वती, मैं ही। हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति पर सती हुआ करती है। बेटा मोहन, तेरे पिताजी के सीने पर एक तिल है जो इस बहरूपी के नहीं है। छोड़ो मुझे, बहरूपी है, सती है। डैनी, तो तुम? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लगा। वेल डन लाला, बांध दो इन सबको। जनाब, और तुम्हारा शिकार भी तैयार है। जो नहीं गीत बने हो। मोहन माजी, बुरी बात है सीठाट, कलिया खून से नहीं प्यार की लाली से खिला करते हैं। नाना, हमने सोचा था कि इन सबकी मौत तुम्हारी शादी से पहले हो, लेकिन हम तो भूल ही गए थे कि बिना बारात की शादी अच्छी नहीं लगती। हाँ बताए को ले आओ। अरे अरे भाई, भगवान के भक्तों का धक्कों से नहीं श्रद्धा से स्वागत करते हैं। महाराज, हमारे दिल में आपके लिए बहुत सदा है। अब ये बताइए कि शादी में टाइम कितना लगेगा? ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास तो 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के सारे मंत्र याद है। पैसे तुम्हें बहुत मिलेंगे पंडित जी, लेकिन मंत्रों का साइज छोटा होना चाहिए, तुम्हारे जैसे मोटा नहीं। मंत्रों का साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन पैसे का साइज छोटा नहीं होना चाहिए। वो मांगे मिलेंगे। धन्य हो, धन्य हो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। पुलिस आ रही है, भागो भागो। तुम और पिताजी का ख्याल रखना।
तुम चिंता मत करो पार्टनर, जब तक राणा तुम्हारे साथ है पुलिस तुम्हारा बाल भी बांका निकाल सकती है। मैं मोहन बोल रहा हूं अंकल। मोहन रास्ता जी, मैं कहता हूं बम फेंक दो। कभी नहीं फेंक सकता डैनी, गीता हमारा पासपोर्ट है और जब तक ये पासपोर्ट हमारे पास है ना, वो कुत्ता हमारा कुछ नहीं कर सकता। देखो वो लोग सड़क पार करना चाहते हैं, ब्लास्ट जी, मैं कहता हूं बम फेंक दो। ये कर सकते गीता उनके साथ, अगर वो लोग सड़क पार गए तो तब गीता का क्या होगा? मैं दुनिया के आखिरी कोने तक उनको पीछे करूंगा। मोहन, कानून की बुनियाद कुर्बानी के बेस पर खड़ी की जाती है, एक गीता तो क्या हजारों गीता उस पर कुर्बान की जा सकती है। मोहन, ये जज्बात का वक्त नहीं है बेटे, तुम जीप को उड़ा दो मोहन। मैं कहता हूं अपने प्यार को देश पर कुर्बान कर दो।
पिताजी, बेटे, मेरे पिताजी, मुझे तुझ पर फक्र है बेटे। सिर्फ आप ही को नहीं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मोहन पर फक्र है। पुलिस डिपार्टमेंट को? हाँ बेटे, बहादुर लड़कों का ठिकाना होटल नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर्स है। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का जॉब ऑफर करता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जनता की सेवा करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू सर। ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है।